वेलकम टू एम लाइफ स्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस अभी जो है वो हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या खाने लगे हैं वो आपको बताते हैं। वेट कीजिएगा, पीछे आपको आवाज़ भी आ रही होगी। आज हम अंडे वाला पराठा बनाने लगे हैं। अच्छा, हमने रोटी को उतार लिया है। अच्छा, क्या अंडे वाला पराठा, ये इसको ऐसे थोड़ा सा लग गया, पक गई थोड़ी सी, उसके बाद ये अंडा इसके ऊपर डाला है, फिर हमने इसको बंद कर देना है। अच्छा, हल्का सा सेक के। ये हो गया पहली दफा में। ये हमने रोटी उतार ली है। इसके बाद हमने इसको करना है बंद। ऐसे, फिर हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। अच्छा, हाँ जी, तेज पे नहीं पकाना, क्योंकि अंदर से हमारा अंडा भी पकना चाहिए ना। ये हम डालने लगे हैं घी, ऑयल। ओह, ऑयल हल्की आंच पे। हाँ जी, ये हल्की आंच पे नहीं, अगर हल्की आंच पे तो 10 मिनट। रेडी करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है, मामा के लिए डाल दूँ, फिर जो है वो आपको ये दिखाएंगे। ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। कैसे पता चलेगा कि रेडी हो गया? ये हमने नहीं, पक गया अंडा, इतना टाइम नहीं ना लेता अंडा, ये पक गया। अच्छा, अंदर से बिल्कुल ठीक होगा। हाँ जी। अच्छा सही, ये है बाजी जो बनाती हैं, पहले भी उन्होंने बनाया था, बाजी ने, शेफ हमारे घर आती हैं, हम बुलाते हैं उनको कि जी शेफ आएँ और कुछ नया हमें आकर बताएं, तो बड़े मज़े का आप ये बनाया, तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि कैसा है। गाइस, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि ऑमलेट की चीज़ें जैसे तैयार करते हैं, सिर्फ आपने बैटर वैसे ही अंडे का तैयार करना है, और जिस तरह से आपको बताया है वैसे ही आपने बनाना है, तो आपका बड़ा अच्छा बन जाएगा। और थोड़ा सा ना फूलेगा, ये थोड़ा सा फूलेगा तो आपको जो है पता चल जाएगा कि जो हमारा अंडा है वो डन हो रहा है। और ये 10 मिनट्स इसको लगेंगे बनाने में, तो जो है अभी मैं ट्राई भी करूँगी, फिर मैं अगले जो है वो आपको व्लॉग में बताऊँगी कि कैसा था वो। तो अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नई नई रेसिपी है, बाजी जब भी आती हैं तो नई नई रेसिपीज़ ट्राई करवाती हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दे, और बेल आइकन ज़रूर दबाते। ओके, खुदा हाफिज़। और ट्राई करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा पहले भी, और ट्राई करके भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। बाय।